गाइस वेलकम टू सरस्वती एजुकेशन सेंटर। आज अपन देखेंगे इवोल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो। अपन इसमें पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। पहले ये पता करते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी होती क्या है। कुछ नहीं होता, कोई एक प्लांट है, ठीक है। अपन ने देखो उसकी बहुत सारी वैरायटियां होगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, गोभी का कॉलीफ्लावर नाम सुनाओ। एक प्लांट होता है ब्रासिका ओलेरासिया। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन बात कर रहे हैं कैबेज, कैबेज कहाँ से बनी, इसके फ्लावर टर्मिनल बर्ड से, ठीक है। लेटरल बर्ड से ब्लू सेल्स बन गया, खोल रबी बन गया स्टेम से, ठीक है। लीव से बन गया केल। ब्रोकोली नाम सुना होगा, वो किससे बना हुआ है, स्टेम और फ्लावर बर्ड से, और फ्लावर के क्लस्टर से बन गया कॉलीफ्लावर। मतलब एक ही प्लांट से डिफरेंट पार्ट बन गए। ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं एवोल्यूशन। यही इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ओके। इससे हेल्प क्या होती है, इसमें ये एक एवोल्यूशन ट्री बनाता है। जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में कुछ कैरेक्टर बंदर के बनते हैं। हर एनिमल्स के कोई भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसका मतलब अपना एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, इन सभी से। लास्ट में आके सबसे ज़्यादा डेवलप कौन है, अपन। तो अपन सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, अपन कहते हैं कि हाँ एडवांस है, वो कौन है, ह्यूमन, ओके। ये होता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। और इसमें क्या हेल्प होती है, इसमें जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है उसकी अपने स्टडी करते हैं, जो भी करेक्टर होता है, और रिलेशनशिप से पता करते हैं कि इस डीएनए का क्या रिलेशन है इस वैरायटी से। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.